साइबर अपराध करने वालों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। एक एससीपी से उसका एटीएम ब्लॉक होने का झांसा देकर दरोगा के खाते से 8 लाख रुपए की नकदी उड़ा दी। दरोगा को जब इसका पता चला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरोगा ने इस मामले की शिकायत एसपी से करते हुए मामले में तुरंत कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं एसपी विपिन कुमार मिश्र ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरोगा के साथ साइबर क्राइम का मामला हरदोई के टड़ियावा थाना इलाके का है। यहाँ यूपी 100 पर तैनात दरोगा भोजराज सिंह ने एसपी को मिलकर अपने साथ हुई ठगी की पूरी दास्तान सुनाई। भोजराज के मुताबिक उसका अकाउंट बरेली की आंवला तहसील में एसबीआई की बैंक शाखा में है। उसी खाते में वह लेन देन करता है। दरोगा के मुताबिक 26 अप्रैल को उसके मोबाइल पर फ़ोन आया और फ़ोनकर्ता ने खुद को बैंक का हेड अकाउंटेंट दीपक वर्मा बताया। फ्रॉड करने वाले ने कहा कि उसका एटीएम ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके लिए उसको 25 अप्रैल को बैंक बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आया, इसीलिए आधार कार्ड की जानकारी दे दें। दरोगा ने उसके कहे पर भरोसा कर मांगी गई तमाम जानकारियां उसको उपलब्ध करा दी। दूसरे दिन जब उसने अपना खाता चेक कराया तो पता चला कि उसके खाते से 8 लाख रुपए गायब हो गए। दरोगा ने इस मामले में एसपी से कार्रवाई की मांग की। वहीं एसपी ने भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मामला ये है, दिनांक 26 को मैं ड्यूटी पे था तो फोन आया कि आपका एटीएम जो है ब्लॉक कर दिया गया है, आपको बैंक में बुलाया गया था, आप नहीं पहुँचे। तभी आधार कार्ड का नंबर मांगा, हमने एटीएम एक्टिवेट करने की वजह से आधार कार्ड का नंबर दे दिया। आज हमने खाता जब चेक किया है तो हमारा करीब 8 लाख नंबर खाते से पैसा मतलब 26 से लेकर आज तक निकाल दिया है खाते से। किस बैंक में खाता है और कहाँ खाता है आपका? खाता स्टेट बैंक आंवला में है, आंवला बड़ी। आप कहाँ तैनात हैं? हम टड़ियावा थाने में 100 डाल दी। ये भोजराज सिंह एक सीपी हैं जो डायमंड में तैनात हैं और आज आके इन्होंने सूचना दी है प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि इनके 8 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इनसे आधार कार्ड का नंबर एटीएम से लिंक कराने के लिए पूछा गया और उसी में दफ्तर में इन्होंने अपना एटीएम पिन बता दिया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके लिए कार्रवाई की जा रही है। क्या?